हे गाइस, वेलकम टू लव नेचर यूट्यूब चैनल। बहुत टाइम के बाद फेस रिवील वाली वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आज मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ अभी अपने पुराने घर में, और जहाँ पे मैंने मधुमक्खियाँ रखी हुई हैं। जैसे आपको पता ही है, मेरी ज़्यादातर वीडियोस मेरी बी कीपिंग के ऊपर होती हैं, क्योंकि मुझे बी कीपिंग करना स्पेशली बहुत पसंद है। और मैं जब भी घर पे आता हूँ, अभी तो फ़िलहाल मैं एक महीने से घर से दूर था पढ़ाई के चक्कर में, और फ़िलहाल दो दिन की छुट्टी थी तो मैं घर आया। अभी मैंने दिन में बी बॉक्स को चेक करा था, तो वहाँ पे शहद था थोड़ा बहुत। ये मेरी बाल्टी है, और एक बड़ा वाला ट्राईपॉड मैंने इसमें रखा हुआ है। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने पुराने मकान पे। ये रास्ता है वहाँ जाने का, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। तो अभी मैं सीधे आपको वहाँ लेके चलता हूँ जहाँ पे हमारा पुराना घर है। तो ये पुराना मकान है। तो ये है हमारा पुराना मकान। यहाँ ऊपर जाते हैं, सीढ़ियाँ ऐसी हैं। तो ये है पुराना घर, ये अंदर वाला कमरा है, ये बाहर वाला कमरा है, और ये बी बॉक्स है, इसको भी चेक करूँगा मैं। यहाँ लाइट वगैरह है नहीं, क्योंकि हम लोग रहते हैं नहीं ना, इसलिए हमने तो ये वाला बॉक्स है। अभी थोड़ा अंधेरा है, मैं खिड़की खोलता हूँ, फिर आपको दिखेगा। ये पुरानी टाइप की खिड़की है। अभी लाइट आएगी, ये देख सकते हो आप। तो इस तरह से पुराने घर होते थे। तो ये बी बॉक्स है, और ये वैसा था बिल्कुल, लेकिन स्पेस की कमी पड़ रही थी, इसलिए मैंने बाहर से एक आउट बॉक्स लगाया इसके, जिससे मधुमक्खियों को एक प्रॉपर स्पेस मिल सके। तो ये उपला पड़ा हुआ है, इसको जला के फिर मैं धुआं करूँगा मधुमक्खियों को थोड़ा बाहर करने के लिए। और ये मेरा जुगाड़ू स्मोकर है, इसको ऐसे फिट करते हैं, ये है, और ऐसे इसको फिट करता हूँ, और फिर यहाँ से जो है ना धुआं निकलता है ना, जुगाड़ बढ़िया। ये उपला जला के मैं लेके आ गया हूँ, दूसरा वाला इसको भी यहाँ डालते हैं। अब इसको क्या करते हैं ना, ऐसे ऊपर से बंद करते हैं यूँ पूरा टाइट, और फिर ऐसे धुआं निकलता है। पानी और ये झाड़ू, हल्की घास है, सॉफ्ट घास की झाड़ू होती है ये, इसको छत्ते से मधुमक्खियों को हटाने के लिए। और ये मेरी बाल्टी, चाकू वगैरह लेके आता हूँ और फिर इसको ओपन करता हूँ। तो ये भी जुगाड़ू टोपी है, ये मैंने खुद बनाई है घर पे, ताकि मधुमक्खियाँ मुँह को ना काटे। और ये स्मोकर तैयार है, अब इस टोपी को मैं पहनता हूँ और उसके बाद थोड़ा धुआं देता हूँ इनको। बिल्कुल अंग्रेजों वाली टोपी, यहाँ देख सकते हो जुगाड़ू टोपी है, लेकिन जब जुगाड़ में काम चल रहा है तो अच्छा लगता है जुगाड़ करना भी। और चलो फिर शुरू करते हैं। शहद यहाँ पे, ये और यहाँ थोड़ा बहुत शहद है, तो इन छत्तों को निकालते हैं।
रहा है बाहर वाले कमरे में, ये आप देख रहे हैं। ये मैंने पिछली बार जब शहद निकाला था तो तब मैंने ये छत्ते, इनमें भ्रूर था काफ़ी, तो मैं ऐसे खड़ी करके रख देता हूँ और जब भ्रूर निकल जाता है उसके बाद मैं इनको निकाल देता हूँ। तो ये है हनी बीज और यहाँ आप देख सकते हो पूरा कैप हनी है। तो मैंने अभी हनी हार्वेस्ट कर लिया है और मैं फ़िलहाल वो बाल्टी लेके नहीं आया, वो मैंने वही कमरे में रखी हुई है, तो थोड़ी देर बाद उसको मम्मी लेके आएगी, तो फिर बाद में दिखाऊंगा मैं, जब मम्मी लेके आएगी तब दिखाऊंगा मैं कितना शहद था। और एक्चुअली वहाँ पे शायद से ना स्वॉर्म हो गया था, यानी आधी मधुमक्खियाँ भाग चुकी थी और आधी वहीं थी, तो इसलिए शहद भी ठीक ठाक ही था लेकिन मैंने निकाल दिया, क्योंकि फिर ये होता ना कि वैक्स मॉथ वगैरह की दिक्कत हो जाती काफ़ी छत्तों में, तो इसलिए मैंने निकाला वो। तो फिर अभी जब वो शहद लेके मम्मी शहद वाली बाल्टी लेके आएगी ना, तो उसके बाद अगर मैं उसको प्रोसेस करूँगा तो फिर मैं सुबह आपको दिखाऊँगा कि कितना शहद उससे निकला है। एक बात और बोलनी थी कि शायद आपको कंटेंट पसंद नहीं आता होगा, या पसंद आता भी है या नहीं आता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो प्लीज़ आप बताना कि कंटेंट क्या रखा जाए, जो मैं डालता हूँ वो ठीक है या कुछ उसमें चेंज करना है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह के कंटेंट वगैरह डालने चाहिए। और देखिए मैं अपने हिसाब से कंटेंट डालता हूँ, जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ और जो एक्टिविटी मैं करता हूँ वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है यार, जो भी एक्टिविटी होती है घर में उन चीज़ों को मैं किसी और को दिखाऊं, और शायद से बहुत सारे लोगों को पसंद भी आता है और वो कमेंट भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर के हिसाब से व्यूज़ बहुत कम आते हैं, और बिगनर तो नहीं कहूँगा मैं खुद को, लेकिन फिर भी बिगनर ही समझ लो, और कोई दिक्कत वगैरह होती है या किस तरह का कंटेंट वगैरह मुझे रखना है तो वो आप मुझे बताइएगा, और क्या कमी मेरी वीडियोस में होती है वो आप मुझे बताइएगा, तो मैं उन कमियों को फिर दूर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर जब मम्मी वो शहद लेके आती है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है भाई। ये है शहद की बाल्टी, देख रहे हो आप, ये देखो फुल शहद भरा हुआ है। अभी इसको है ना निथारने के लिए रखेंगे, और बाल्टी में जितना भी पड़ा हुआ कल आपको दिखाता हूँ कि कितना शहद हुआ। रात के लिए मैं इसको ऐसे चंक्स में काट के रखूँगा ना, ऐसे मैश करके जैसे रखूँगा, तो एक जाली है मेरे पास में तो उसमें रखूँगा तो शहद पूरा निकल जाएगा, तो फिर सुबह बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ये है फाइनल प्रोडक्ट, यानी जो मैंने एक्सट्रैक्ट करके रखा है, और इसको मैं दुकान से वेट करके लेके आया इसका, तो ये है लगभग 5 किलो के करीबन